गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। पुदुचेरी में हिमाचल पुलिस की देखरेख में विधानसभा चुनाव। चामुंडा की पद्दर पंचायत में बिना मास्क घूम रहे श्रद्धालु। आवारा पशुओं से दुर्घटनाएं। 212 सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन। 25 से 30 परिवारों को पेयजल की एक भी योजना के तहत नल नहीं। अरब समाचार विस्तार से। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव हिमाचल पुलिस की अगुवाई में शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जा रहे हैं। मंगलवार को पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रक्रिया एक ही चरण में करवाई जा रही है। हिमाचल पुलिस के करीब 800 जवानों ने आईपीएस गुरुदेव शर्मा की अगुवाई में मोर्चा संभाला हुआ है। पुदुचेरी में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस के करीब 100 महिला एवं पुरुष जवान चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए राज्य में डेरा जमाए हुए हैं। हमीरपुर जिला के जंगलबेरी रिजर्व बटालियन के 100 जवान चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए मोर्चा संभाले रखे हैं। सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम मंदिर की पद्दर पंचायत में आजकल श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। यही श्रद्धालु पद्दर पंचायत के आसपास सरेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं। इस और ना तो पुलिस प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और ना ही मंदिर प्रशासन। श्रद्धालु यहां पर जगह जगह थूक रहे हैं और खुलेआम बाहर शौच कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को बिना मास्क के बाजारों, मंदिरों और स्थानीय दुकानों में घूमते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में पद्दर पंचायत में बहुत बड़ी महामारी फैलने का खतरा है। आवारा पशुओं से हर कोई परेशान है। एक तो यह आवारा पशु फसलों को नुकसान किए जा रहे हैं, दूसरा यह पशु सड़कों पर हर समय बैठे हुए देखे जा सकते हैं। नगरोटा सूर्या के बस अड्डे, स्कूल के खेल मैदान तथा सड़कों के किनारे सुबह शाम भारी संख्या में आवारा पशु बैठे हुए देखे जा सकते हैं। सड़कों पर गाड़ियां चलाना तो मुश्किल हो चुका है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि जो भी आवारा पशु हैं तथा जिन लोगों के हैं उनकी पहचान करके उन्हें जुर्माना डाला जाए, ताकि लोग पशुओं को यूं आवारा ना छोड़े। सिविल अस्पताल जवाली में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन किया, जिसमें जवाली उपमंडल के 45 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों व सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। नगर पंचायत जवाली की मनोनीत पार्षद नीतू कुमारी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस कैंप में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों व सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वहीं एमडी डॉक्टर आशीष ने बताया कि इस कैंप के आयोजन में 45 वर्ष से अधिक उम्र सहित 212 सीनियर सिटीजन को पहली डोज दी गई। एक और तीन तीन योजनाओं का पानी मिल रहा है व दूसरी और पानी की एक भी बूंद नहीं मिल रही। बात जल शक्ति विभाग पंचरुखी के तहत पंचायत रक्कड़ भेड़ी की चौधरी बस्ती की है। जल शक्ति विभाग ने हर घर नल योजना के तहत हर घर नल देने के दावे किए हैं। यहां लगभग 25 से 30 परिवारों को पेयजल की एक भी योजना के तहत नल नहीं है। लोग खड्डों व कुहल के पानी पर निर्भर हैं। हर और गुहार लगाने के बाद समस्या हल ना होते देख मंगलवार सुबह लोगों ने अपने ही वार्ड में लगे ट्यूबवेल से पानी नहीं छोड़ने दिया, क्योंकि यह पानी उनके ही वार्ड से होता हुआ अन्य पंचायतों को जा रहा है। जिस पंचायत की बस्ती में ट्यूबवेल लगाया उसी बस्ती के लोगों को पानी देने में जल शक्ति विभाग आनाकानी कर रहा है, लेकिन अब लोग मजबूरन सड़कों में उतर आए हैं। मेरे साबे ने हफ्ते बाद अद्धा घंटा करनी नहीं, बाकी मेन जेड़ा सोर्स कुल्ला दा है। पीने पानी की समस्या जेड़ी बड़ी भारी है, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी पब्लिक है सारी नीचे मंदिर ते नल के उठते भर दे पानी। कितने की पानी नहीं होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कितने की रिगा है ने तू लगभग 18 25 टोल है ना। 25 25